नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन सिंह। स्वागत है आप सभी लोगों का वेद में यूट्यूब चैनल पे। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दैट टॉप 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन इन द लास्ट टाइम। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आखिरी क्षण चल रहे हो, मतलब आखिरी कुछ दिन या आखिरी महीना चल रहा हो, तो उस टाइम पे ऐसे कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन का जो है वो बंटाधार हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप T20 मैच खेल रहे हो तो T20 मैच में 16 ओवर तक आपने जो किया सो किया, कभी कभी उसमें स्ट्राइक रेट कम भी होता है तो चलता है, लेकिन लास्ट के 4 ओवर्स तक लोग जो है उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं अच्छे से। कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, इसलिए अंत का भला सही करना, और सही तरीके से अगर भला होगा तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एंडिंग शुड बी इंपॉर्टेंट, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए और अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। सो इस एंडिंग में रश करने की कोई जरूरत नहीं। अब बात करते हैं कि वो टॉप 10 थिंग्स क्या है जिसको आपको अवॉइड करना है। तो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन जो है अक्सर लोग करते हैं। अब व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन? अब इन सब चीज़ों पे जो है बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन सिंपल शब्दों में बोला जाए तो आज की बात को कल पे टालना, दैट इज द प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन को जितना आप हो सके अवॉइड करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है, इसको इस सिंपल एनालॉजी से समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको आज मेरा डेली का 1 किलो जो है सर पे बोझ ढोना है, आज का 1 किलो उठा के कल पे टाल दिया, तो कल 1 किलो पहले का होगा और 1 किलो कल का ही होगा, तो 2 किलो हो जाएंगे। अगर वो 2 किलो फिर परसों पे टाल दिया तो 2 किलो पहले के और 1 किलो उस दिन का 3 किलो हो जाएगा, और ऐसे ही वेट बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा वेट बढ़ जाएगा कि फिर कैरी करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो एक्चुअली में लोड को बहुत बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से अनरियलिस्टिक गोल्स आपको सेट करने पड़ते हैं। सो इन लास्ट डेज में प्रोक्रास्टिनेशन तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब जो करना है अभी करना है। कबीरदास जी ने कहा है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। इसलिए जो कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही थी प्रोक्रास्टिनेशन को लेकर बहुत पहले, सीख सकते हैं आप उनके दोहे से। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, दैट स्किपिंग ब्रेक्स एंड रिलैक्सेस। कई सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटी, ब्रेक्स या रिलैक्सेशन को एकदम स्किप कर देते हैं, मतलब ना कोई बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, ना कभी वो थोड़ा मेडिटेशन या रिलैक्सेशन कर रहे हैं, और ना ही पढ़ाई के दौरान ब्रेक ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो 24 घंटे अगर किताबों में घुसे रहेंगे तो उससे उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बिना ब्रेक के मैं डंबल उठाने को कह दूं और कंटिन्यूअस करने को कह दूं बिना ब्रेक लिए, तो शायद आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि आप 10-10 के ब्रेक्स मतलब सेट्स लो और फिर ब्रेक मारो फिर ब्रेक मारो, तो शायद आप जो है काफ़ी लंबा सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ पुशअप्स मारने को बोला जाए तो 50 पुशअप्स कंटिन्यूअस मारना होगा तो आपकी शायद दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आपको वही 50 पुशअप्स ब्रेक ब्रेक में मारने हो तो आप आसानी से कर लेंगे। सो एग्जैक्टली यही चीज़ आपके प्रिपरेशन के टाइम पे भी होती है। चाहे कितना भी लोड क्यों ना ब्रेन पे आ जाए, ब्रेन का जो वर्किंग एफिशिएंसी वो तो वैसा ही होगा। इसलिए ब्रेक्स को अवॉइड ना करें, ब्रेक्स को स्किप ना करें, रिलैक्सेशन को स्किप ना करें, जरूर उनको करते रहें। मतलब आप पढ़िए, थोड़ी देर ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, ऐसे आपका चलना चाहिए। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग अवॉइड करते हैं, वो है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मतलब जो सोना है, 6 से 8 घंटे में वो सोते ही नहीं, 2 से 3 घंटे सो रहे, प्रॉपर डाइटिंग या प्रॉपर जो खाना है डाइट जो है वो नहीं ले रहे, बॉडी को हाइड्रेट रखना है वो नहीं कर रहे। तो अगर आप जो है बेसिक नीड्स को जो है अवॉइड करेंगे तो आपकी जो बॉडी की एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए आपके वो अपने बॉडी को सही तरीके से अगर काम करवाना है, बॉडी की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो बॉडी के जो बेसिक नीड्स है वो भी पूरी करनी है, ब्रेन के बेसिक नीड्स है वो भी पूरा करना है। इसीलिए जो है प्रॉपर नींद लीजिए और प्रॉपर जो है बॉडी का टेक केयर करिए, ताकि आपकी एफिशिएंसी जो है बढ़ सके। जो फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लैक ऑफ प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने दिन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं, सही तरीके से पूरे टाइम को प्लान नहीं किए हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका अगर गड़बड़ है, आप दिन भर क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता चल रहा है, आप सोशल मीडिया पे समय गवा रहे हैं, आप फालतू की बातों पे समय गवा रहे हैं, इस स्ट्रेस में समय गवा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचते ही रह जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में समय गवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से अगर प्लानिंग नहीं है, आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक आपका हर एक आर जो है वो डिसाइडेड होना चाहिए और वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। एक सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाइए और आपकी सारी बुक्स जो है वो ऐसे पढ़ी रहे, तो आप उस लाइब्रेरी से शायद बुक परचेस करना या उस लाइब्रेरी में बैठ के बुक खोजना पसंद करेंगे। लेकिन अगर एक लाइब्रेरी में आप जाते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, तो आपको कोई भी चीज़ ढूंढने में बहुत आसानी होती है और आसानी से वो बुक मिल भी जाती है। एग्जैक्टली टाइम के साथ भी ऐसा ही है। जब आप पूरे के पूरे 24 घंटे को एकदम मैसी करके रखे रहेंगे, तो आप उसमें से टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर उसको सही तरीके से आपने मैनेज किया, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसमें टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आपका एक एक आर एक एक मिनट जो है अच्छा चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है दैट ओवरलोड इन्फोबिस।
लास्ट टाइम प्रिपरेशन के टाइम पे अक्सर लोग जो है बहुत ज्यादा अपने दिमाग या अपने बॉडी पे लोड देने लगते हैं। याद रहे कि जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि दिमाग हमारा एक कंटेनर जैसा है, उसकी एक कैपेसिटी होती है एक प्रॉपर टाइम पे जो है गेन करने की। अगर फॉर एग्जांपल वो कंटेनर है, अब उस कंटेनर फॉर अगर 10 लीटर का कोई कंटेनर है, उसमें आपको पानी भरना है या उसमें आपको मिल्क जो है फिलअप करना है, तो 10 लीटर तक ही कर पाएंगे आप। और जैसे ही 10 लीटर से ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, वो पानी बाहर गिर के फैल जाएगा और बेकार हो जाएगा, या वो मिल्क बाहर गिर के फैल जाएगा और बेकार हो जाएगा। एग्जैक्टली ब्रेन के साथ भी एक टाइम पे उतनी ही इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। जैसे हमारा ब्रेन का जो कॉन्शियस माइंड होता है वो एक रैम की तरह काम करता है, और जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो एक रोम की तरह होता है, रैंडम जो है एक एक्सेस मेमोरी जो होता है। रैम मतलब जैसे लैपटॉप में रैम होता है ना, कि आप अगर आपका 64 GB का रैम है तो उतनी ही चीजें एक साथ खोल सकता है, उसके ओवर खोलेंगे तो हैंग करने लगता है सिस्टम आपका, चाहे मोबाइल का रैम हो चाहे वो पीसी का रैम हो। एग्जैक्टली ब्रेन के साथ भी एक टाइम पे उतनी ही चीजें की कैपेसिटी है जो हैंडल कर रहा है, उससे ज्यादा करेंगे तो ब्रेन ओवर हैंग होने लगता है। एंड जब आप ओवरलोड करते हैं तो हैंग होता है, तो चीजें और स्लो हो जाती है एफिशिएंट होने के बजाय। जब सिस्टम हैंग होता है तो वो और भी स्लो हो जाता है जितना वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है। एग्जैक्टली ब्रेन के साथ भी वैसा ही है, जब आप बहुत लोड कर देते हैं ब्रेन में, तो जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो है वो और भी धीरे धीरे ग्रैस्प होती है, एफिशिएंसी ब्रेन की और घट जाती है रादर देन बढ़ने के बजाय। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करना, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से चलिए, थोड़ा बहुत इंक्रीज करिए, एकदम पागल मत बन जाइए, उससे कोई फायदा बेसिक तौर पे होता नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि लोग अगर खुद को अकेला कर दें, दुनिया में किसी से बात ना करें, सोशल मीडिया खत्म कर दें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा एक्चुअली फिर वही बात है कि यूट्यूब पे कुछ महान योद्धा लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि अगर कुछ करना है तो तब करना पड़ेगा और अकेले करना पड़ेगा। वी आर द सोशल एनिमल्स, हमारा ब्रेन ऐसे अपब्रिंग हुआ है कि हम एक सोशल एनिमल की तरह बिहेव करें, और उस टाइम पे जहाँ पे सच में सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आप सोशली एक्टिव रहे, रीजन बीइंग दैट दोस्तों से बात करिए, फैमिली से बात करिए, उससे आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होगी, आपकी बहुत सारी चीजें जो है रिड्यूस होगी। लेकिन अगर आप जो है अपने आपको ऐसा लगे कि आप अकेले रह के बहुत अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे, तो अक्सर ऐसा नहीं होता। पढ़ाई अकेले करिए, लेकिन बाकी टाइम जब ब्रेक ले रहे हो तो उस टाइम पे सोशली थोड़ा इन्वॉल्व करिए खुद, क्योंकि कई बार अगर आप 24 घंटे एक महीने तक अकेले ही रहेंगे ना, तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से आपके जो ब्रेन में लोनलीनेस और अकेलेपन का जो घर है वो बहुत ज्यादा चलता चला जाएगा, आपको बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स घेर लेंगे और आप ओवर थिंकिंग में पढ़ने की बजाय जो है कम पढ़ने लगेंगे, क्योंकि ज्यादा अकेला होना भी हानिकारक होता है, बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा जो काम करता है वो सिर्फ ये ब्रेन, और ब्रेन ओवर थिंक करता है, ठीक है। और इसीलिए इस चीज से बचने के लिए आप जो है खुद को एकदम आइसोलेट मत करिए, जब आप पढ़ रहे हैं तब आइसोलेटेड रहिए, और जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे घूम फिर लीजिए, फैमिली से बात कर लीजिए, ये एक बेहतर अप्रोच होता है। जिस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए वो है नेगेटिव थिंकिंग। मोस्ट ऑफ द लर्नर्स के साथ ऐसा होता है कि वो जब प्रिपरेशन कर रहे होते तो अक्सर वो ये सोच रहे होते कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, यही चीज होती है कि अक्सर हम नेगेटिव पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजों पे फोकस बहुत कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास एक स्क्रीन है व्हाइट कलर की, उस पर मैं अगर एक ब्लैक कलर से डॉट बना दूं और 10 लोगों से पूछूं तो 10 लोग यही कहेंगे कि ये एक ब्लैक डॉट है, लेकिन कोई उस पूरे व्हाइट स्क्रीन को नहीं देखेगा कि ये स्क्रीन व्हाइट है। सिमिलर केसेस में एक बहुत ही कॉमन स्टडी हुई थी, एक टाइल्स वाली स्टडी, मिसिंग टाइल्स स्टडी जिसे कहते हैं। एक बंदे ने बहुत ही खूबसूरत स्विमिंग पूल बनाया था, सब कुछ जो है एकदम बेहतरीन टाइल्स का यूज किया था, लेकिन एक टाइल्स को छोड़ दिया था। जितने लोग उस स्विमिंग पूल को देखने आते सबको ये था कि यार ये यहाँ पे एक टाइल मिसिंग है। अक्सर वो मिसिंग टाइल हमारी जो साइकोलॉजी होती है, हम मिसिंग के ऊपर भागते हैं, नेगेटिव के ऊपर भागते हैं। वी हैव टू रिड्यूस द नेगेटिव थिंकिंग, हम कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमें हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी नेगेटिव थिंकिंग को एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप कभी भी, ये जितने भी लोग बोलते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग कैन बी एलिमिनेटेड, नो नॉट एट ऑल। आपको पॉजिटिव को बढ़ाना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से ज्यादा करना है, सिंपल चीज यही है। जैसे दिन और रात दोनों होते हैं, वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग दोनों ही ब्रेन में रहेगी, बस पॉजिटिव को इंप्रूव करिए, नेगेटिव को रिड्यूस करिए। तो पॉजिटिव को इंड्यूस करने के लिए आप अफर्मेशंस, पॉजिटिव विजुलाइजेशन जैसे चीजों का सहारा ले सकते हैं। खुद को अच्छी बातें बोलिए, यस आई एम गुड, आई एम हेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट एनफ, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम गोइंग टू क्वालिफाई, आई कैन डू इट, करना है तो करना है। सो कुछ अच्छे वर्ड्स जो है आप यूज कर सकते हैं खुद के लिए, वो आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ इशारा करेंगे। अवॉइड न्यू मटेरियल्स, इस टाइम पे कई सारे लोग भटकते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि टेलीग्राम ग्रुप से लेकर यूट्यूब चैनल से लेकर, ये कहाँ का सोर्स है ये, अब समबड़ी ने किसी ने कोई क्वेश्चन पोस्ट किया, किसी के अंदर जो है चुल मची कि ये कहाँ का क्वेश्चन है, उसने बता दिया कि ये एक्स वाई जेड रेफरेंस लिया गया। अब पहले वाले बंदे के पास जो है वो सोर्स नहीं है, तो उसे लगेगा कि बस अब वही बुक की कमी है, नहीं तो मैं तो महादेव जी के बराबर होता। अब वो बुक परचेज करेगा या जैसे भी ले लेगा,
और फिर अब वो उस बुक के ऊपर पढ़ना कोशिश करते हैं। अब 15-20 दिन महीने भर में क्या ही कर लोगे आप उस नए बुक के साथ, और नया मटेरियल फिर आपको दिक्कत ही करेगा, क्योंकि नए मटेरियल को आप ना उतनी अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, ना उतनी अच्छी तरीके से रिवाइज और रिकॉल कर पाओगे, फिर करोगे क्या। एंड दैट्स वाई नए मटेरियल को जितना हो सके अवॉइड करो। कहते हैं जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अब उसके आगे बढ़िए और उसको रिकॉल और प्रैक्टिस करिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट टाइम प्रेपरेशन के टाइम। नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट, कई सारे लर्नर्स जो होते हैं वो मॉक टेस्ट से डरते हैं, उन्हें लगता है मॉक टेस्ट में कम नंबर आए तो क्या होगा। मैं उनसे बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट में कम नंबर आएगा तो कम से कम उस गलती को सुधार लोगे, ठीक है, उसमें सेकेंड चांस इंप्रूव करने का मिल जाएगा। लेकिन CSIR में कम नंबर आए तो उसको सुधारने का मौका फिर अगले 6 महीने बाद आए, ये ध्यान रहे। मॉक टेस्ट इसीलिए देना होता है कि गलती पता चल सके और उस गलती को इम्प्रूव किया जा सके। वो रिजल्ट एक्चुअल नहीं है, वो रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक तरीका है, और अक्सर लोग मॉक टेस्ट से भागते हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है ताकि आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सके, अपने रियल सिचुएशन को जान सके, कितने पानी में है और कितने जो है आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, और जो गलती आप मॉक टेस्ट में कर रहे हैं उसको नेक्स्ट या कह सकते हैं जो एग्जाम होने वाला है मेन एग्जाम उसमें रिपीट मत करिए। मॉक टेस्ट का यही तो यूज है, मॉक टेस्ट ही तो आपको रियल सिचुएशन बताता है कि आखिर में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग योर लास्ट टाइम प्रेपरेशन। पहला मिस्टेक मैंने बताया प्रोक्रास्टिनेशन का, कि प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करिएगा। दूसरा मैंने ब्रेक्स और रिलैक्सेशन को अवॉइड करना, जो आप स्किप कर देते हैं उसको नहीं करिएगा। अगर आप बेसिक नीड्स को अवॉइड कर रहे हैं तो वो भी अवॉइड या इग्नोर मत करिएगा। फोर्थ मैंने बताया था कि अगर आप प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को सही से नहीं रख रहे हैं तो उसको सही रखिएगा। फिफ्थ मैंने बताया था कि अगर ओवरलोड कर रहे हैं अपने बॉडी और ब्रेन को तो वो मत करिएगा। सिक्स्थ मैंने बताया था कि अगर आप प्रीवियस मिस्टेक्स जो आपने किए थे, जो पहले गलतियां करी थी, अगर वो फिर से वही गलतियां कर रहे हैं जो आपने प्रीवियस एग्जाम में करी थी प्रीवियस, तो वो नहीं करिएगा। सेवन्थ मैंने बताया था कि आइसोलेट करिए अपने आप को, अगर आपको लगता है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये भी मत करिएगा। एट्थ की मैंने बात करी, नेगेटिव थिंकिंग जो आपके ब्रेन में बार बार आ रही है उसको अवॉइड करिएगा, पॉजिटिव को ज्यादा लाइएगा। नाइन्थ पॉइंट मैंने बताया था कि नए मटेरियल्स को ज्यादा यूज मत करिएगा, उसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। और 10th मिस्टेक, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं कर देते हैं तो देना शुरू कर दीजिए। ये मैंने कुछ टिप्स बताए, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिए अगर आपका मन करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।